वाराणसी में काशी में मौनी अमावस्या का धूम। काशी में आपको बता दें मौनी अमावस्या की धूम है। काशी के घाटों पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। आज मौनी अमावस्या को लेकर काशी के घाटों पर जनसैलाब उमड़ चुका है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं घाट। खबर वाराणसी से है। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु। मौनी अमावस्या को लेकर गंगा घाट में जनसैलाब उमड़ चुका है। मौनी अमावस्या के पर्व पर श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। खबर प्रयागराज से है। आपको बता दें काशी में मौनी अमावस्या की धूम है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन, काशी में किस तरह का माहौल दिखने को मिल रहा है? श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ चुका है। बिल्कुल नंदनी, जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज को धर्म और अध्यात्म की नगरी कही जाती है, अगर संगम नगरी की बात करें तो आज मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। कहा जाता है कि माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या का स्नान जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। चूंकि अगर बात की जाए देर रात की, तो देर रात में प्रयागराज के कई स्थानों पर जोरदार बारिश हुई है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार अभी भी प्रयागराज के संगम तट पर देखी जा सकती है। तो तस्वीरें देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज को कहा जाता है कि जितना एक यूरोपीय देश की जनसंख्या है उससे ज्यादा लोग संगम में स्नान करते हैं। और तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि क्यों कहा जाता है कि संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो मेला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जल पुलिस लगाए गए हैं, जगह जगह पुलिस की टीमें तैनात है, एटीएफ कमांडो तैनात है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। और तस्वीरें लगातार अभी भी बता रही है कि जिस तरीके से लगातार संगम में श्रद्धालुओं का आगमन है, कहा जा रहा है, ये मेला प्रशासन का अनुमान है कि करीब 2 करोड़ श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो लगातार जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो अभी भी प्रयागराज के संगम तट पर जारी है। अगर बात की जाए सड़कों की, तो प्रयागराज की विभिन्न सड़कें श्रद्धालुओं से भरी है और लगातार जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो प्रयागराज के संगम तट पर लगातार जारी है। जी नंदिनी, पवन, देखा जाए तो सीएम योगी ने मौनी अमावस्या को सबको बधाई दी है। छोटे छोटे घाटों पर किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था देखे जा रहे हैं? बिल्कुल आनंदनी, अगर यूपी सरकार की बात की जाए तो यूपी सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए लगातार यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। और अगर राज्य की बात की जाए तो यूपी सरकार द्वारा आज मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेशवासियों को मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं दी है, और यहाँ पर जिस तरीके से अभी बताया गया है कि अभी कुछ देर बाद से, चूंकि आज रात से ही मौसम जो है प्रयागराज में खराब है, तो ऐसे में अभी कुछ देर बाद से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। और बात की जाए बीते कई वर्षों की, तो बीते वर्षों के दौरान भी मौनी अमावस्या के पर्व पर श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। तो जिस तरीके से लगातार यहाँ पे जो श्रद्धालु है और पुष्प वर्षा का जो इंतजार कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत होगी। और लगातार जो श्रद्धालु है उनके मन में जो आस्था का विश्वास है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ने रात से करवट की है, लग रहा था कि श्रद्धालुओं की भीड़ जो है संगम पे नहीं दिखेगी, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि मौसम पर आस्था कहीं ना कहीं भारी है। लगातार जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो अभी भी प्रयागराज के संगम तट पर जारी है। अगर बात की जाए संगम की, तो लाखों श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और देर शाम तक करीब 2 करोड़ श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य संगम के आस्था की डुबकी लगाएंगे। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका पवन। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।